हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ रहे हैं एक्सेल टैली एनालिसिस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैश एप्लीकेशन का कंसेप्ट। कैश एप्लीकेशन एसएपी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल एसएपी का एक इम्पोर्टेंट फीको मॉड्यूल, फीको का एक सब मॉड्यूल है अकाउंट रिसीवेबल, जिसमें हम ओ2सी साइकिल से रिलेटेड पढ़ते हैं। कैश एप्लीकेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप रियल टाइम में जॉब करोगे किसी बड़ी कंपनी लाइक एसेंचर हो गया, जेनपैक्ट हो गया, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में किस तरह से हम कैश एप्लीकेशन प्रोसेस को हम मेंटेन करते हैं, तो वो हम देखेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश एप्लीकेशन होता क्या है? कैश एप्लीकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पेमेंट फ्रॉम कस्टमर टू कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइस बीइंग पेड इन ए सेलर अकाउंट रिसीवेबल लेजर। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। मतलब क्या हुआ? कैश एप्लीकेशन क्या है? एक प्रोसेस है मैच करने का, जो पेमेंट कस्टमर से हमें रिसीव हुई है कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइस के बिहाफ पे। अब अकाउंट रिसीवेबल में क्या हुआ, ओटू साइकिल में क्या होता है? हमने माल बेचा, उसके अगेंस्ट हमने बिल लेस किया और उसकी पेमेंट हमें रिसीव। तो हम डिफरेंट डिफरेंट पर डे, हम डेली बेसिस पे मल्टीपल सेल्स करते हैं, मल्टीपल हमें रिसीव होते हैं, तो हमें उसको किस तरह से मैच करना है, किस इनवॉइस की पेमेंट हमें रिसीव हो गई, किसकी नहीं हुई। तो कैश एप्लीकेशन में हम जिन इनवॉइस की हमें पेमेंट रिसीव होती रहती है कस्टमर से, उसको मैच करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कैश एप्लीकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट रिसीवेबल का। तो क्या है इसके एलिमेंट ऑफ कैश एप्लीकेशन के एलिमेंट क्या है? तो पहला एलिमेंट है पेमेंट। द पेमेंट इज द फंड ट्रांसफर फ्रॉम बायर टू द सप्लायर। पेमेंट कम इन मैनी फॉर्म्स। पेपर पेमेंट इंक्लूड पेपर चेक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंक्लूड वायर ट्रांसफर, ACH, रिक्रूटमेंट कार्ड एंड वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो पेमेंट फंड मतलब जो भी बायर बायर जो सेलर होगा और जो बायर होगा, बायर सेलर को पेमेंट करेगा। जैसे हमने माल किसी को बेचा, तो जिसको बेचा है वो हमें पेमेंट करेगा। पेमेंट किसी भी फॉर्म में आ सकती है, आपको चेक से पेमेंट हो सकती है, डायरेक्ट पेमेंट हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकती है। तो मल्टीपल मेथड्स हैं पेमेंट रिसीव करने के। तो वो क्या है हमारा? पेमेंट। दूसरा है रेमिटेंस एडवाइस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आल्सो नोन सिंपली एज रेमिटेंस। रेमिटेंस एडवाइस इज डेटा दैट डिस्क्राइब व्हाई पेमेंट बीइंग इज मेड। तो रेमिटेंस, जब भी कोई कस्टमर पेमेंट करेगा तो उसके साथ हमारे को रेमिटेंस देगा कि उसने किस पर्टिकुलर बिल की, किस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट पेमेंट किया, डेट इज कॉल्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस एडवाइस कैन इंक्लूडेड द इनवॉइस नंबर और नंबर दैट द फंड आर बीइंग पेइंग ऑफ। इट कैन आल्सो इंक्लूड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट। फॉर एग्जांपल, इट कुड इंक्लूड नोट दैट बायर इज ओनली पेइंग 70% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट बिकॉज द डिलीवरी प्रोडक्ट का डैमेज। तो रेमिटेंस में मल्टीपल चीजेस इंक्लूडेड रहती हैं। समटाइम क्या होता है कि बायर पार्ट में पेमेंट करता है, तो वो भी चीज इंक्लूड रहती है कि इस बिल की, सपोज 1 लाख का बिल था, तो इस बिल के अगेंस्ट हमने 50,000 पेमेंट करी है, तो वो चीज भी सब इंक्लूड रहती है। समटाइम डैमेजेस हो गया, वो रह गया, तो सारी चीज रेमिटेंस में डिस्क्राइब रहती है, जो कस्टमर सप्लायर को देता है कि हमने इस बिल के अगेंस्ट इतनी पेमेंट करी है। तो रेमिटेंस इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड थर्ड होता है इनवॉइस। इनवॉइस सबको पता है, द इनवॉइस इज ओरिजिनल बिल दैट प्रमोटेड द पेमेंट टू बी मेड। ए कैश एप्लीकेशन स्पेशली यूजर द रेमिटेंस एडवाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट इनवॉइस बीइंग पेड बाय द फंड ट्रांसफर फ्रॉम द बायर। तो इनवॉइस एक इंपॉर्टेंट रोल है। इनवॉइस के अगेंस्ट ही हमें पेमेंट रिसीव होती है, उसके अगेंस्ट हमें रेमिटेंस एडवाइस रिसीव होती है और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कैश एप्लीकेशन करते हैं। तो कैश एप्लीकेशन का वही, ये एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इमेज है। कैश एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोसेस में पेमेंट किस तरह से हो रही है, कस्टमर हमारे को पेमेंट कर रहा है, पेपर चेक, ACH, क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर, इसके अगेंस्ट रेमिटेंस आ गया, क्रेडिट मेमो, ईमेल, फोन कॉल, पोर्टल। तो रेमिटेंस हमें इसके थ्रू आ सकती है। देन मैच होती है पेमेंट एंड रेमिटेंस। पेमेंट जो है वो रेमिटेंस से मैच होने के बाद पेमेंट अप्लाई टू इनवॉइस ERP, उसको हम ERP, लाइक हम SAP की बात कर रहे हैं, तो SAP में हम उसको प्रोसेस कर देते हैं अपने ERP सिस्टम। अब व्हाई कैश एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट?
व्हेन ए कंपनी रिसीव ए पेमेंट दे मस्ट अप्लाई इन एन ऑर्डर टू बी श्योर दैट दे हैव ए राइट टू दोज फंड। ओके, अगर कोई कंपनी पेमेंट रिसीव कर रही है तो उसको श्योर होना चाहिए कि वो राइट फंड को रिसीव कर रही है, राइट तरह से जो प्रोसेस कर रही है। वंस ए कंपनी नो द फंड आर राइटफुली, देयर कैन बी यूज दैट मनी टू फंड पेरोल, मेक इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। तो अगर कंपनी सही तरह से अपने फंड को, अपने कैश को मैनेज करेगी तो वो अपने इस फंड को किसी भी तरह यूज कर सकती है। ओके, तो इसीलिए हम यूज करते हैं कैश एप्लीकेशन का। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि ये जो पर्टिकुलर है ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आएगा, कि अगर आप रियल टाइम में वर्क करोगे तो आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होगी। बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको मैच करना होगा कि किस कस्टमर ने कौन सी डेट को पेमेंट करी है। उसको हमें पर्टिकुलर मेंटेन करना पड़ेगा, किस कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने पेमेंट करी है, ये आपको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो आएगा इतनी आएगी आपको बैंक स्टेटमेंट, तो ये अलग से हम मेंटेन करेंगे। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर, क्लियरिंग डेट एंड उसका रिमार्क। ओके, तो अब इसे किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि समटाइम कस्टमर क्या करेगा, सिंगल बिल्स के थ्रू सिंगल पेमेंट होगा, बल्क पेमेंट भी हो सकती है, ऑन अकाउंट भी हो सकती है। तो वो हम किस तरह से देखते हैं, रियल टाइम में हम आते हैं अब एसएपी में उसको देखते हैं। तो कैश एप्लीकेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें अपने कैश रिसिप्ट को मैनेज करना है, वो बेसिकली कैश एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो एसएपी में हम आते हैं, एसएपी में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम FBL5N में आएंगे, FBL5N में आ गए। अब यहाँ पर मैं हमारी कंपनी HP01 है, कंपनी कोड डाल देंगे। और यहाँ पर हमारा जो वेंडर है वो है सागर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इसकी कस्टमर अकाउंट नंबर है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर अकाउंट नंबर है। ओके, कस्टमर का नेम क्या है वो हम यहाँ मेंटेन कर देंगे। तो यहाँ से हम ओपन आइटम इसकी एग्जीक्यूट करते हैं कि 16 तारीख तक, जैसे टुडे डेट तक कितनी इसकी ओपन आइटम। तो ये इसकी ओपन आइटम आ गई रेड कलर में। रेड कलर का मतलब अभी सारे देखिए डीआर डॉक्यूमेंट है, डीआर मतलब कस्टमर इनवॉइस है। आप इस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली ये इनवॉइस है हमारा, कॉल अप डॉक्यूमेंट, तो ये इनवॉइस है। ओके, ये इसका बिल नंबर है, रेफरेंस नंबर, तो 50,000 का सागर सेल सर्विसेज के। तो ये इनवॉइस हमने बुक करे हुए हैं पहले से। तो डीआर डॉक्यूमेंट मतलब कस्टमर इनवॉइस, अभी इसकी कोई पेमेंट नहीं हुआ। कितनी टोटल पेमेंट ड्यू है, 4,45,000 रुपए हमें सागर प्राइवेट लिमिटेड से रिसीव करने हैं। तो सागर प्राइवेट लिमिटेड हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, सागर हमने मेंशन कर दिया कस्टमर है जिससे हमें पेमेंट रिसीव करनी है। अब रिसीव करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी बेसिकली रेमिटेंस की। ओके, जो मैंने आपको यहाँ बताया था रेमिटेंस, कस्टमर हमें रेमिटेंस देगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रोसेस करेंगे। तो इनकमिंग पेमेंट के लिए हम टी कोड यूज करते हैं। इनकमिंग पेमेंट किसके थ्रू होती है, F-28 के थ्रू। ओके, F-28 के थ्रू हम इनकम रिसीव करेंगे। तो हम इसको ओपन रखते हैं, एक नया सेशन ओपन करते हैं और आते हैं F-28 पे एंटर करते हैं। अब ये जो है हमारी रेमिटेंस करती है, तो पहला है हमारा 4th ऑफ जून। तो 4th ऑफ जून को हमारे को रिसीव हुआ है, तो 4th ऑफ जून डाल देंगे, या 4th ऑफ जून डालने हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट भी हम डाल देंगे और किससे रिसीव हुआ है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट हेडर रिसीव रिसीव फ्रॉम सागर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये रिसीव हुआ है हमें, किसके थ्रू हम रिसीव कर रहे हैं, हम अपने बैंक में रिसीव कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट हमारा है आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक।
कितना रिसीव हुआ है हमारे को, फर्स्ट बिल कितने का है हमारा 50,000, 50,000 का है तो हम डाल देंगे 50,000, 50,000 रिसीव नाउ, ये हो गया हमारा, एंड वैल्यू डेट डाल देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा अपना जिस कस्टमर से हमें रिसीव हुआ है, तो कस्टमर है हमारा सागर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर करेंगे प्रोसेस ओपन आइटम, प्रोसेस ओपन आइटम करते ही सारे इनवाइस हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो सारे इनवाइस हमारे पास डिस्प्ले है, टोटल पेमेंट कितनी है इसकी, 4,45,000 जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, 4,45,000। अब इसमें से हमारे को जो पेमेंट रिसीव हुई है ये वाली हुई है 50,000, तो 50,000 की हमें पेमेंट रिसीव हुई है। अब ये सारे असाइंड में आ रहे हैं, अब सबसे पहले हमें ये डी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल हो गए, यहाँ से ऑप्शन आता है डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट होती सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जिसको आपको एक्टिवेट करना है, जिसकी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो ओनली उसको ही एक्टिवेट करना है, इसके दो ऑप्शन होते हैं डीएक्टिवेट करने, या डबल क्लिक से कर सकते हो, ठीक है, डीएक्टिवेट एक्टिवेट डबल क्लिक से भी हो जाता है, और देखिए डीएक्टिवेट डबल क्लिक से भी हो जाएगा। दूसरा मेथड है जो मैंने आपको बताया, सिलेक्ट ऑल करेंगे यहाँ से और डीएक्टिवेट, ठीक है, डीएक्टिवेट होने से ब्लैक हो जाएगा सारे। यहाँ पर असाइन देखिए जीरो आ गया, 50,000 जो हमने अमाउंट एंटर किया, अब किस बिल की पेमेंट रिसीव हुई है 50,000, तो 50,000 50,000 यहाँ जीरो हो गया बैलेंस, और हम इसको सेव कर देंगे। जस्ट जैसे हम इसे सेव करेंगे 4,14,000,000 बाद पोस्टेड कंपनी कोड HP01 डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो तो डिस्प्ले डॉक्यूमेंट करके एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, यही एंट्री होती है जब हम रिसीव करते हैं पैसा, तो हमारा पैसा आएगा बैंक में तो बैंक डेबिट हो गया, कस्टमर हमारा क्रेडिट हो गया। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं अपना इस बैक आते हैं इसको यहाँ पर ऑल में आके और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ DR डॉक्यूमेंट 50,000 का था, यहाँ DZ डॉक्यूमेंट इसका क्रिएट हो गया 50,000 एंड 50,000, तो मतलब ये डॉक्यूमेंट अब हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट अब हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से ओपन से चला गया और किसमें आ गया, ग्रीन हो गया DR और DZ। अब यहाँ पर क्लियरिंग डेट आ गया, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर को कॉपी करेंगे, तो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर हमारा क्या जनरेट हुआ है, ये वाला, तो इसको कॉपी करेंगे, ये हमारा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, इसको कॉपी करके और यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर ये इसका है, क्लियरिंग डेट कब की है, क्लियरिंग डेट है हमारी 4th ऑफ जून, ठीक है, ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और यहाँ डॉक्यूमेंट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट डेट भी डाल दी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाइड क्रेडिट, मतलब ये अप्लाई हो गया है, ठीक है, ये हमने करेक्ट रेमिटेंस के अकॉर्डिंग हमने इसकी पेमेंट रिसीव कर ली है और पेमेंट हमारी रिसीव होके रिसीव हो चुकी है। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट में क्या है कि हमारे को सपोज दो पेमेंट बल्क में दे रहे हैं, ओके, तो हमारे पास दो पेमेंट है, लाइक एक है हमारे पास 80 और एक है हमारे पास 55। ओके, तो टोटल हमारे को ये दो बिल की पेमेंट एक साथ रिसीव हुई है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आते हैं FS28 में आएंगे, अमाउंट कितना है 1,35,000। ओके, एक साथ पेमेंट रिसीव हुई है, कौन कौन सी पेमेंट रिसीव हुई है हमें, हमने इनवॉइस और भी मेंशन किए हुए हैं, दैट्स व्हाई ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, हमने कौन कौन से करी है, 55,000 की पेमेंट और है हमारी और एक है हमारी 80 की, 81,55, तो 1,55 की पेमेंट हमारे को और डालनी पड़ेगी यहाँ पर 55। ओके, तो ये हमें एग्जाम्पल डाल दी 55, तो हमें कौन कौन से बिल की पेमेंट है, ये दो बिल की पेमेंट,
एंड 50 बाय, ठीक है। तो ये हमें रिसीव करनी है, तो ये हमारा अभी डेमो चल रहा है, रियल टाइम में आपको प्रॉपर आपको मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पर इसके थ्रू कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हम अपना वेंडर मेंशन करेंगे प्रोसेस। अब हमें दो बिल की पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है। दो बिल कौन कौन से, एक 55 और एक 80, जो हमें रेमिटेंस मिली है। तो पहले हम सिलेक्ट ऑल करके इन्हें डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो दो बिल ओपन करते हैं, एक ये और एक ये। 135,000 हो गया। बल्क पेमेंट हमें रिसीव करी है बल्क में, तो बल्क को एक साथ आप इस तरह से प्रोसेस करते हैं और इसे सेव कर देंगे। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद आप आते हैं अपने बैक आते हैं और इसको दोबारा से प्रोसेस करते हैं। आप देखिए ये जो दो बिल है हमारे 80, 85 DR, उनकी पेमेंट हो चुकी है। किस डॉक्यूमेंट के थ्रू, 135 DZ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर हो गया। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं और क्लियरिंग डेट हमारी हो गई कौन सी, 5th ऑफ। ओके, ये हो गई और ये भी हमारा अप्लाई क्रेडिट हो गया और यहाँ पर अप्लाई क्रेडिट। तो दोनों बिल की पेमेंट हमारे को रिसीव हो चुकी है। तो इतना काम हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट केस क्या है, अब हमारे पास 260 के हैं, 270 के। ओके, अब हम दोबारा से रिसीव करते हैं, लाइक 5th ऑफ जून को ही रिसीव फ्रॉम सागर। ये हो गया और कितना, 60,000। 60,000 रिसीव कर रहे हैं किससे। ओके, प्रोसेस ओपन आइटम। ओके, तो ये डाल देते हैं एंड प्रोसेस ओपन आइटम। जैसे हम प्रोसेस करेंगे, अब 60,000 है, अब 60,000 के दो बिल है, अब हमें नहीं पता किसकी है। अब हमारे रेमिटेंस हमारे पास आई नहीं है। ओके, तो रेमिटेंस है नहीं, अब हमें पता नहीं। तो हमने क्या करा, इसको हमने इसको यहाँ पर ऑन अकाउंट में पहले हम इनको डिसलेक्ट कर देते हैं, सबको डिसलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया 60,000। तो ये बेसिकली क्या है, ऑन अकाउंट में चला गया पैसा, कि हमें पता नहीं था। 60,000 यहाँ भी है, दो दो इनवॉइस है इसके 60 से। अब 60 हम किससे पोस्ट करें, रेमिटेंस हमारे पास आई नहीं है। रेमिटेंस के लिए हमसे अप्रोच करेंगे, रेमिटेंस नहीं, तो जब तक हमने इसको डिफेंस पोस्टिंग में डाल दिया, ठीक है, डिफेंस में डाल दिया। अब इसे हम चेक करते हैं, यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए DZ डॉक्यूमेंट 60,000 से हमारे यहाँ पर मेंशन हो गया, और 60,000 से ये दो बिल अभी भी हमारे ओपन में ही है। क्यों, क्योंकि हमने इन्हें अभी क्लियर नहीं किया, ऑन अकाउंट में पैसा डाल दिया हमने। अब उसने रेमिटेंस भेजी, उसने कहा ये 2 तारीख वाला जो बिल है वो आपको क्लियर करना, ठीक है। इसके अगेंस्ट हमने 60,000 दिए थे जब उसने रेमिटेंस दी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे एक और टी कोड पे, बैक आएंगे F-32 फॉर क्लियरिंग। ओके, यहाँ पर हम अकाउंट डाल देंगे जो हमारा वेंडर है सागर, और इसको प्रोसेस ओपन कर देंगे। अब देखिए अब ये क्लियर कर रहे हैं हम, तो बाकी सबको डिसलेक्ट कर देंगे। उन्होंने कहा था 2 तारीख तक, जो 2 तारीख का बिल है 60,000 को, उसकी पेमेंट करी। तो दो दोनों को ओपन में रखा है हमने, तो जीरो हो गया, और इसको डायरेक्ट हम उन्हीं से पेस्ट सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे, ये सेव हो गया। अब हम चेक करते हैं अपना, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए 60,000 की पेमेंट, अब यहाँ पर ये यहाँ पर आ गई। अब इसका जो हमारे पास ये है डॉक्यूमेंट, ये है क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर 60,000 का ये, और ये हमारी क्लियरिंग डेट आ गई। क्लियरिंग डेट हमारी कब की है, हमने इसको आज की डेट में ही क्लियर करा है, तो हम इसको ये वाली पे डाल देते हैं। और पहले हम इसको क्या करते हैं, ऑन अकाउंट में लिखते हैं, और बाद में जब हम क्लियर करते हैं तो इसको हम अप्लाई क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इससे पहले हमें क्या करना था, इसको ऑन अकाउंट, जब तक ये हमारे पास ओपन में रहती, जब तक हम इसमें लिखते ऑन अकाउंट, और उसके बाद हम यहाँ पर जब हमारा क्लियर हो जाता है तो हम ओपन क्लियर, ठीक है। अब इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये भी हमारा। अब हमारे ये बिल रिमेनिंग है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जैसे सपोज अब हम F-28 के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। ओके, आज को ही मैं रिसीव कर रहा हूँ, रिसीव फ्रॉम
कितने 70,000, ओके 70,000 प्रोसेस ऑफ एन आइटम। अब इस बार भी हमारे पास रेमिटेंस नहीं है तो 270,000 के बिल है, तो हमने बिना देखे ये 3 तारीख वाले बिल को क्लियर कर दिया, ओके 3 तारीख वाले बिल को क्लियर कर दिया और उसे सेव कर दिया। सेव करते ही क्या हुआ, यहाँ पर ये रिफ्रेश करते ही ये हमारा 3 तारीख वाला बिल जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्लियर तो कर दिया बट ये क्लियर नहीं करना था, इसकी जगह ये पेमेंट होनी थी ये वाली, ओके 5 तारीख वाली की पेमेंट करी थी, इसकी नहीं करी थी। इसमें जो हमारे पास रेमिटेंस आई तो वेंडर कस्टमर ने कहा कि इसकी पेमेंट अभी नहीं करेंगे, इसमें कुछ इश्यू है, तो आपको हमने 5 तारीख तक इस वाले की, अब क्लियर ये वाला हो गया, अब इसको क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए एफ आर ए, ये सारा कंसेप्ट रिवर्स का सब कुछ, तो ये सारा पूरा डिटेल में मैंने अपने कोर्स में, ये मेरी वेबसाइट है www, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो SAP FICO SPS4HANA फाइनेंस, इसमें पूरा डिटेल में सारे कोर्स, पूरा कोर्स को मैंने डिटेल में कंसेप्ट को क्लियर किया है, आपके डिटेल में हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, किस तरह से अकाउंट रिसीवेबल पेएबल का प्रोसेस है सब कुछ। तो आप इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और भी डिटेल में एडवांस में ये चीजें सीख सकते हो। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, तो अब हमें उसको क्या करना है, ये वाली पेमेंट को रिसेट करके इस पेमेंट को क्लियर करना है, तो उसके लिए हम आएंगे FERA। FERA पे आके हमें कौन से जो हमारा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर है वो क्या है इसका 70 वाले का, ये वाला। अब इसको हमारे को पहले रीसेट करना पड़ेगा, अब ये ग्रीन हो गया है, ग्रीन का मतलब ये क्लियर हो गया, अब पहले हमें इसे ओपन में लाना पड़ेगा। तो ओपन में लाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए आप देखना चाहते हो अकाउंट तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये करेक्ट उठा रहा है, ये अकाउंट है। लाइन आइटम चेक करना चाहते हो, लाइन आइटम आप चेक कर सकते हो, देखिए 70,000 वाली यही है, तो हम इसको रीसेट करते हैं। तो रीसेट करने के लिए यहाँ से हम जो सेव करेंगे, सेव करते पहुंचेगा ओनली रीसेटिंग या रीसेटिंग रिवर्स, तो हमें ओनली रीसेटिंग करनी है। जैसे हम रीसेटिंग करेंगे, रीसेट हो गया, अब आते हैं यहाँ पर इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ओपन में आ गया इनवॉइस अगेन, देखिए 70,000 और ओपन में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पेमेंट है किसके साथ क्लियर करेंगे, इस वाले बिल के साथ 5 तारीख तक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैश एंड एफ डैश 32 पे आएंगे, अपना मेंशन करेंगे, प्रोसेस ओपन आइटम पे करेंगे, तो अब हमें कौन से बिल के साथ करना है, तो हम इनको डिसलेक्ट कर देंगे और इन दो बिल को, ये वाली पेमेंट थी और ये वाला हमारा इनवॉइस था, इसके साथ इसको हम सेव कर देंगे, हो गया। अब हम चेक करते हैं, इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, देखिए 3 तारीख वाली ओपन में आ गई और हमारी 5 तारीख वाली, तो ये हमारा वो हो गया, यहाँ पर हम डाल देंगे 5 तारीख वाली करी है हमने ये वाली, तो इसको हम पोस्ट कर देंगे और ये हमारा अप्लाई क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब 17,000 की, अब हमारे पास कितने बिल रिमेनिंग है, 60। तो ऐसे ही आप जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप कर देंगे और F-32 और F-28 के थ्रू हम इसका प्रोसेस इस तरह से कैश एप्लीकेशन हमारी वर्क करती है। तो रियल टाइम में आप बड़ी कंपनीज में काम करोगे तो इसी तरह से कैश एप्लीकेशन, कैश को हमें मेंटेन करना पड़ता है, ओके। तो बेसिकली रेमिटेंस के थ्रू हम पेमेंट को रिसीव करते हैं, किस रेमिटेंस के थ्रू हमारे पास पेमेंट आई है, अगर आपके बाई चांस मिस्टेक हो गई तो FDR से आप रिसेट कर सकते हैं, और बाकी आप डिटेल में कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर आके यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं, यहाँ साइन अप का बटन है, साइन अप करके आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू।